तेरे अल्लाह की हिम्मत खत्म हो गई। हम तो आराम से, इसलिए पानी आया, पहाड़ के आधे आया, पहाड़ के कोने आया, मगर पहाड़ की चोटी तक पानी, तीनों आराम से। अरे बोलो तीनों कहां पर? पहाड़ की चोटी पर, तीनों आराम से। खाना वाना खाए, जो खाना होगा खाए, और फिक्र की कोई बात नहीं। चार महीने तक का खाना है, चार महीने तक का पीना है, फिक्र की कोई बात नहीं। खाना खाए, खाना खाने के बाद एक क्या बोलता है, मेरे को जोर का पेशाब आया है। तो उस जमाने में टॉयलेट बाथरूम तो नहीं थे भाई, पहाड़ के किनारे चला जा कर ले पेशाब। तो काम में वो किनारे जाके पेशाब करता, तो दूसरा कहता खैर मेरे को भी आया, साथ में चलते। तो तीसरा कहता है मेरे को भी पेशाब आया, खाना पानी तो मैंने भी किया। अब तीनों पहाड़ के किनारे पर खड़े, ए भगवानपुर वालों कान खोल कर सुनना, तीनों पहाड़ की चोटी पर है, अल्लाह को ओपन चैलेंज किया पेशाब करने के लिए। तीनों खड़े हो गए या बैठ गए, पेशाब करना शुरू किया। अल्लाह ने वहीं से पानी को शुरू किया, पानी को शुरू किया, वही बदबू वाला पानी, वो नापाक पानी, वो गंदा पानी, अल्लाह घुमाता रहा, अल्लाह पानी को दौड़ाता रहा, यहाँ तक के पेशाब में यहाँ तक डूब गए। कहाँ तक डूब गए? गले तक डूब गए। तो अल्लाह की आवाज आई, मेरे बंदो मुझे कमजोर समझा था, तुमने ये समझा था मैं आसमान के पानी से बर्बाद करूंगा, तुमने ये समझा था मैं जमीन के पानी से तुम्हें बर्बाद करूंगा, अल्लाह ने कहा तुमने ये समझा था मैं दरिया के पानी से बर्बाद करूंगा, अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह हूं, मैं आसमान जमीन दरिया का मोहताज नहीं, मैंने तुम्हारे अंदर से पानी निकाला और तुम्हें बर्बाद कर दिया, और मुझे कोई रोकने वाला। तीनों की तीनों पेशाब में डूब गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के सामने ये बात बताई कि मैं सब कुछ कर सकता, अल्लाह कौन है। मेरे दोस्तों भगवानपुर में भी ऐसे बहुत से, अल्लाह माफ करे, बोलो सुभान अल्लाह, आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरे प्यारो, पूछो नहीं इनको नमाज क्यों नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता क्या प्रॉब्लम, क्या देख नहीं पढ़ा क्या प्रॉब्लम है। अरे पूछो ना इतनी बड़ी उम्र हो गई तेरे चेहरे में दाढ़ी क्यों नहीं आई। मेरे को नहीं रखना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये किसके खिलाफ चैलेंज हो रहा है? अरे कोई गैर करे तो वो गैर था, बोलो ना कोई गैर करे तो वो गैर था। अरे कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, ये नबी की शान बयान करने वाले, अजमत मुस्तफा को मानने वाले, अरे मेरे दोस्तों जमीन पे कुरान पढ़ने वाले, ये अल्लाह को ऊपर चैलेंज करे। याद रखना जो अल्लाह वो टीम को बर्बाद कर सकता है, वो अल्लाह हम सबको भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं तो एक ही बात कभी कभी कहता हूँ शेख खलीफ, एक ही बात कहता हूँ, अगर हमारे अंदर ताकत है ना तो मरो मत, मौत को मत आने, कर सकते हो ऐसा? मैंने अगर मेरे अंदर ताकत है तो मैं अपने आप से कहूंगा मरने का नहीं है मेरे को, आपके अंदर ताकत है मत मरो, मौत को मत आने दो अपने पास। भगवानपुर में मौत आती है, ये बोलने में आती है, सही में नहीं आती हो ना, कितने भी पैसे लगे मैं प्लॉट खरीद लूं भगवानपुर में, मैं खुद अपना घर बना लूं, काहे को मरूं भाई। अरे बोलो ना मौत आती है कि नहीं आती है? अब मेरी बात सुनना, अल्लाह ओपन चैलेंज करता, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा बंदा अगर तेरे अंदर ताकत है, अगर तेरे अंदर मेरे मुकाबले की हिम्मत है, अल्लाह कहता मौत आएगी तेरे पास, रोक लेना मौत को, डॉक्टरों को बुलाना, हकीमों को बुलाना, तबीबों को बुलाना, अरे तावीज़ वाले बाबाओं को बुलाना, अल्लाह कहता सबको बुला ले, सबकी ताकत होगी तुझे बचाने की, मेरी ताकत होगी तुझे मारने की, सबको फेल करूंगा, फैसला तो मेरा ही चलेगा। अल्लाह बोलो ना, हमारा दिल अंदर से जागे कि मौत का मुकाबला मैं और आप, ये भी कुरान में लिखा है, ये जो मैंने आपको बताया ना कुरान, इसमें लिखा है, सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना, कुरान पाक में 29वें पारे में लिखा, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े ना, अल्लाह ने फरमाया कल्ला اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آخری وقت آ جائے جب تیری روح نکلنے لگے
हमको तो मरना ही मरना है ना। इसलिए मेरे प्यारों, मेरी पहली बात आज आपसे यही है, अल्लाह को एक मानो और अल्लाह से डरो, करोगे इंशाल्लाह। यानी मैं तीन बातें करके चला जाऊंगा। मेरी पहली बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो और यकीन से बोलो, करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ में बोलो ना, यकीन से करेंगे इंशाल्लाह। तो चलो और हम अल्लाह की तारीफ शुरू करें, करेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे बढ़ेंगे, कितनी बातें अपने को करना। आज मेरे दोस्तों के जिन्हों ने भी ये जलसा रखा, सही में हम आते हैं, दूर से आते हैं, लेकिन अंदर अंदर बैठे बैठे हम सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं। आज आपको मालूम है, ये जो आप बैठे हो ना, अल्लाह ने हम सब के गुनाहों को माफ कर दिया। ये मैं नहीं कहता, अरे बोलो मैं नहीं कहता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे फरिश्ते जमीन पर ढूंढते ढूंढते अल्लाह का जिक्र कहां हो रहा है, अल्लाह रसूल की बातें कहां हो रही है। बहुत सारे फरिश्ते जमीन के ऊपर ढूंढते रहते अल्लाह की बातें कहां हो रही है, अल्लाह की बुजुर्ग की कहां बयान होती है, रसूल की बातें कहां हो रही है, अरे अल्लाह का जिक्र कहां हो रहा है। जब वो फरिश्ते यहां आए होंगे, कहां पे भगवान को आए होंगे, तो हमारे नबी ने फरमाया जब कुछ फरिश्तों को मिल जाता है तो दूसरे फरिश्तों को बुला के आओ आओ फरिश्ते हैं। हमारा ईमान है, बोलो फरिश्ते अभी हमको नजर नहीं आते, लेकिन बोलो अल्लाह की कसम फरिश्ते जमीन से लेकर। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम खत्म होगा ना, हम घर चले जाएंगे, तो फरिश्ते आसमान पर जाते हैं, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछते हैं कहाँ गए थे, अल्लाह पूछते फरिश्ते कहाँ गए थे, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह भगवान को गए थे, वहां अल्लाह की बातें हो रही थी, अल्लाह तेरी बुजुर्ग की बयान होती थी, तेरे रसूल की बातें हो रही थी, तेरा जिक्र हो रहा था। अल्लाह और फरिश्तों को, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्तों को पूछते हैं, ये जो लोग मेरी बड़ाई बयान करते थे, इन्होंने कभी मुझे देखा है, इन्होंने कभी मुझे देखा है। फरिश्ते कहते ना, उन्होंने कभी आपको देखा नहीं। अल्लाह कहते अगर मुझे देख ले तो क्या आदम होगा। अरे फरिश्ते कहते जब देखा नहीं है तो इतने घंटे तेरी तारीफ करते रहे, तेरे रसूल की तारीफ करते रहे, इतने घंटे बैठे बैठे अल्लाह रसूल की बातें सुनते रहे, अगर तुझे देख लेते तो और ज्यादा बैठना शुरू कर देते। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे फरिश्तों को, वो मांगते क्या थे, वो बैठे तो थे, उनको क्या चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए। फरिश्ते कहेंगे नहीं अल्लाह, उन्होंने रोटी कपड़ा नहीं मांगा, उनको जन्नत चाहिए। बोलो अल्लाह कहेंगे अच्छा जन्नत चाहिए, उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है। हाँ नहीं देखा है। अल्लाह कहेंगे देख लेते तो फरिश्ते कहते अगर देख लेते तो उठ के गली नहीं जाते, देख लेते तो उठ के गली नहीं जाते, मांगते ही रहते जन्नत देख लेते तो मांगते ही रहते। अल्लाह फिर पूछता है ये लोग डरते किससे हैं, तो फरिश्ते कहते हैं जहन्नम से बहुत डरते हैं, जहन्नम में जाना इनको गवारा। अल्लाह ने कहा क्या मेरी जहन्नम देखा इन्होंने, कहा नहीं देखा। अल्लाह फिर पूछते देख लेते ये सारे बंदे मेरी जहन्नम को, तो फरिश्ते कहते अल्लाह अल्लाह अगर ये तेरी जहन्नम को देख लेते तो कभी गुनाह नहीं करते, अल्लाह तेरी जहन्नम को देख लेते तो कभी नमाज नहीं छोड़ते, अगर ये तेरी जहन्नम को देख लेते कभी कुरान को हाथ से जाने नहीं देते। अल्लाह ताला फिर कहते हैं फरिश्तों गवाह रहो, जितने बैठे थे जितने लोगों ने मेरी बातों को सुना, मेरे प्यारे नबी की बातों को सुना, जितनों ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह कहते हैं फरिश्तों गवाह रहो, मैंने सबके सबको माफ कर दिया। अब सुनना, एक फरिश्ता आगे बढ़ता कहता अल्लाह तूने सबको माफ कर दिया। अल्लाह ने कहा सबको माफ कर दिया। फरिश्ता एक आदमी का नाम लेता कहता अल्लाह इसको माफ नहीं करना, कोई भगवान पुरता कोई नाम लेता अल्लाह इसको माफ दे। अल्लाह ने कहा क्यों माफ नहीं करना, सब बयान सुनने थोड़ी आया था, वो बयान सुनने नहीं आया था, अल्लाह रसूल की बातें सुनने नहीं आया था, वो तेरी बुजुर्ग की बयान करने नहीं आया था, तेरे नबी की बातें सुनने नहीं आया था, वो तो काम धंधे के वास्ते आया था, तो थोड़ी देर के लिए वो भी बैठ गया। अल्लाह ताला कहते मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, उसको भी मैंने माफ कर दिया। वो फरिश्ता कहता है उसको भी माफ कर दिया।
ये लोग जो बैठे थे ना इनको तो माफ कर दिया, इनके करीब जो छू जाता है मैं उसको भी माफ कर देता। भाई आज को हमारी मफिलत की रात है, बोलो इंशाल्लाह, आमीन बोलो। तो सब जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, मैं अभी चाहता हूँ जिक्र करा दूं, सब करेंगे जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। किसको पुकारने का आवाज नहीं आ रही, बोलो किसको पुकारने का। हाँ मेरे दोस्तों अल्लाह ही, बोलो किसको पुकारने का। अल्लामा इकबाल ने कहा या रब दिल मुस्लिम को, याद होगा नहीं याद अपने को, तो गाने वाले याद होंगे। अल्लामा इकबाल ये उलमा मेरे साथ में पढ़ेंगे, ऐसी बात कही है कि दिल को गरमा देते। साथ में पढ़ो ना, अल्लामा इकबाल ने फरमाया या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, आमीन बोलते जाओ आमीन। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वो दिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर ज़ौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे। और पर मेरे साथ ये अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। हाथ ऊपर करें बुलंद आवाज से, भाई हमारी माँ बहने नहीं, माँ बहनों का आवाज पर्दा है, आपकी आवाज पर्दा, क्यों डालोगे आपको कुछ, तो फिर जिक्र करेंगे ना मेरे साथ में बुलंद आवाज से। शुरू करें, शुरू करें, गर्दन झुका दे, गर्दन झुका दे, हमारे पहली बार पत्ती हो जाए। बोलो ना करने धरने वाला कौन, आवाज के साथ बोलो करने धरने वाला कौन। अल्लाह हु अल्लाह, अल्लाह हु अल्लाह, शुरू 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 शुरू, अल्लाह हु अल्लाह, अल्लाह हु अल्लाह। भाई आवाज नहीं आ रही है, मैं तो बहुत खुश होकर भगवानपुर आया हूँ भाई, बहुत सारे लोग नारे तकबीर करके मुझे यहाँ तक लेकर आए, एक साथ में शुरू हो जाए। अल्लाह हु अल्लाह, 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 अल्लाह हु अल्लाह। दूसरी बात करा रहा हूं, एक बात हो गई, थक गए आप लोग, नहीं थके हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मौलाना सोहराब था, ये मेरे को वापस कह रहे थे। अभी मैं कुछ दिन पहले तो राजनगर आया था, वो भी बंगाल में ही है, और अभी यहाँ पर आ गया, भगवानपुर आ गया। अभी मौलाना सोहराब मेरे को निकलते निकलते कहते और एक जगह पर आना है, तो वहां आऊंगा तो आगे बातें करूंगा, ठीक है ना आपको। अभी सुन रहे तीनों बातें, जन्नत में जाना है ना, मेरे साथ में बोलो ना, जन्नत में
थोड़ा मन की आवाज और ऊपर करा। मैं दूसरी बात पर आ जाऊं, आप लोग मेरे घर से थक गए, आप लोग घर में पूछ के आए हो, मैंने अपनी बीवी को पूछ के आए हो, क्योंकि आपका चेहरा ऐसा बताता है जैसे कुछ डरते हो घर जाने के लिए वापस। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं ना, बल्कि हो सकता माँ बहने भी आई होगी, इसे और तो कोई टेंशन नहीं आपको, अगर नहीं आती तो होता टेंशन। आपको मालूम है आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है कहीं कोई बीवी थी अपने शोहर को कहने लगी कि मेरे को मायके जाना, मायके जाने ससुराल माँ के घर। आप लोग क्या बोलते होंगे बंगाली जमा में, मेरे को नहीं आता क्योंकि आप लोग तो बोलते मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मेरे को दो आदमी यहाँ पे नहीं करा और दूसरा क्या नाम है खादिमुल इस्लाम, ये दो नहीं करा पूरे रास्ते बंगाली में बोले मालूम है मेरे को गाली भी देते होंगे मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में कभी चाय मांगा कभी पानी मांगा, ये लोग आपस में बंगाली जबान में बोले, मैंने मौना उस्मान को गुजराती में बोला, मैंने वो गाड़ भी बोलता तो अपन वो हमें पड़े, समझे आप लोग समझे, वैसा मैं भी नहीं समझा था, जैसा आप गुजराती नहीं समझे मैं बंगाली जबान नहीं समझा था, लेकिन आएंगे खैर हम आएंगे, पहले मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ शादियाँ तो होती है ना, क्योंकि बीवी की बातें सुने हैं करके मुँह लटका के देख रहे हैं, मैं तेरे ऊपर फिट कर दूँ, तू लाया ना, हो सकता है इसकी बीवी है, बीवी है तेरा मामला होगा। अपने शोहर को क्या कहती है, अपने को कितने साल हो गए शादी को, मेरे को मायके जाना है, यानी माँ के घर पे, थोड़ा ढोंग किया तू चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, हालांकि अंदर से इसको भी कहा जावे भाई कितना मुसीबत और कितने दिन पालने का, कम से कम थोड़े दिन तो इधर उधर हो गए, कहा नहीं मेरे को जाना है एक महीने के बाद आऊंगी, ठीक है चलो चली गई, बोलो चली कितने महीने के लिए, 15 दिन में तो हनीफ भाई को फोन आया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कल में आ रही हो, कल में कहता अरे तू एक महीने के वास्ते गई थी, नहीं मेरे को आपकी बहुत याद है, इसे मैं तो अभी 15 दिन में आ रही हूँ और बता दिया कि ये ट्रेन पे आऊंगी, मेरा बोगी नंबर ये होगा, सीट नंबर ये होगी और तुम बराबर प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए आ जाना, ये नंबर प्लेटफॉर्म का होगा लेने आ जाना, अब ये भाई लेने गया, बताओ लेने गया तो मुंह अच्छा होगा कि खराब होगा, एक महीने के बाद आने वाली 15 दिन में आ गई, खैर मुंह बिगाड़ा बिगाड़ा गया गया बिल्कुल ट्रेन के पास गया, वो आई वो आई वहां बिचारी सामान वामान लेकर आए, जैसे होते ही अस्सलाम वालेकुम, इतने नाम वालेकुम अस्सलाम, आ जा आ जा, वो कह दिया मेरे अम्मी अब्बा ने, मेरे अम्मी अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले, हां बूटा बूटी को मेरा भी सलाम बोले, चलो आ जा आ जा आ जा आ जा, अब ये तो अपना मूड खराब किए, वो बीवी भी आ गई, बीवी सोचने लगी कि इनका मूड इतना खराब क्यों हो गया, मैं जल्दी आ गई तो इनका मूड खराब हो गया, अचानक बीवी की नजर पड़ी एक और मियां बीवी है आपस में हंस हंस के बातें कर रहे, बिल्कुल ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी हंस हंस के बातें कर रहे, तो बीवी ने कहा देखो उनको देखो, वो मियां बीवी को देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रहे और तुम देखो कैसे मुंह बना के बैठे हो, तो हनीफ ने अपनी बीवी को कहा पगली को छोड़ने आया है, समझे आप लोग समझे, नहीं समझे तो बाद में समझेंगे, लेकिन अपने को तो वो नहीं समझना, अपने पास तीन बातें समझना, कौन कौन समझेंगे इंशाल्लाह, पहली बात कौन कौन समझा हाथ ऊपर करके बोलो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज नहीं आ रही बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, चलो कौन सी बात पर हम आ रहे हैं बोलो ना, किस कौन सी बात पे आ रहे हैं, सब सुनेंगे इंशाल्लाह, भाई सुनना दूसरी बात, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, साथ में बोलेगा हमको समझ में आए, साथ में बोलो हमको समझ में आए तो भी मुस्तफा का दामन, बोलो इंशाल्लाह, नहीं समझ में आए तो भी मुस्तफा का, अच्छा लगे तो भी मुस्तफा का, नहीं अच्छा लगे तो भी मुस्तफा का, तो साथ में कह दो एक आवाज में कह दो, पहली बात अगर हमारी की ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरी बात है पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन, पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर दूसरी बात का जवाब देना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है, आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है, हमारे आका से बढ़कर
कोई आका है? पूरा मजमा साथ देगा। हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारा नबी वो नबी। सुभान अल्लाह। साथ दोगे ना मेरा? साथ दोगे इंशाल्लाह? जो मैं बोलूं सब साथ में बोले, हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी। बोलते जाओ, हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारा नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। कोई कर सकता भाई? आगे चले। हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, एक मर्तबा इशारा करे, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी मर्तबा इशारा करे, तीसरी मर्तबा इशारा करे, 1400 सहाबा बोले, मेरे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारा नबी वो नबी, मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर पत्थर हर दरख्त हमारे नबी को सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। ये महीना रजब महीना, इसमें महराज का वाक्या पेश आया, आया ना? यानी सब साथ में बोलेंगे महराज। अरे बोलो ना, हुई ना? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना? अरे बोलो ना, गए ना? वो पूरा महराज का वाक्या सुनाऊं? क्योंकि हमारे नबी के दो सफर एक ही रात। बोलो कितने सफर? एक जमीन का, एक मैंने साथ में बोले। समझने की बात है, हमारे नबी ने ये महीने में एक ऐसी रात आई जिसमें हमारे नबी ने दो सफर किए, एक जमीन का, एक आसमान का। जमीन के सफर को कहते हैं इसरा। बोलो, जमीन के सफर को कहते हैं इसरा, आसमान के सफर को कहते हैं मेराज। सुनना है आपको? मैं गुजरात में मेराज का वाक्य बताता हूँ, 4-4.5 घंटे जाते हैं, चलेगा आप लोगों को? नहीं खाया मिलेगा, लेकिन भूख लगी कब मिलेगा भाई? 4 घंटे के बाद अभी मिलेगा। बोलो ना भाई, एक जमीन का सफर और एक आसमान का सफर। जमीन के सफर को याद रखना इसरा, क्या बोलते हैं? और आसमान के सफर को क्या कहते हैं? मैं आपको पूरा मेरा तबा कर नहीं सुना पाऊंगा, थका थका हूं, लेकिन पहले पॉइंट अगर आप सुन ले और समझ ले तो पूरा मेरा तबा क्या समझ में आ जाएगा। कौन कौन तैयार है भाई सुनने के लिए? मैं आपको पहली पॉइंट और आखिरी पॉइंट, बोलो पहली और सब सुनेंगे इंशाल्लाह। भाई तवज्जो देना सब लोग, बिल्कुल यहाँ मेरी तरफ तवज्जो देना, क्योंकि कड़ी को कड़ी से जोड़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट बात यार। भाई सुनना, मेराज की रात, बोलो मेराज की रात। हमारे नबी मक्का में, पूरा मजमा बोले हमारे नबी मक्का, मक्का मुकर्रम। कहाँ है हमारे नबी मक्का में? एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी काबे के पास है, एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी हतीम के पास है, एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी उम्मे हानी के घर में है, एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी अपने घर में है। लेकिन कुछ भी हो मेरे प्यारों, मेराज की रात में साथ में बोलो हमारे नबी मक्का, मक्का मुकर्रमा में है और आराम कर रहे हैं। बोलो और क्या कर रहे हैं? रात के वक्त में आप क्या करें? आराम, यानी हमारे नबी सो रहे और आंखें मुबारक बंद है। बोलो आंखें मुबारक है भाई, हम लोग भी सोते तो हमारी आंखें भी, हमारे नबी भी आराम कर रहे हैं, आंखें मुबारक बंद है। सुनना, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील को आसमान पर बुलाते, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्रील आओ, जिब्रील आओ। हजरत जिब्रील आते, अल्लाह तआला फरमाते जिब्रील अभी मक्के की जमीन पे जाओ, रात का वक्त है, अल्लाह कहते जिब्रील अभी अभी मक्के की जमीन पर जाओ और मेरे मुस्तफा को अभी आसमानों पर लेके आओ। बोलो अल्लाह किनको कहते हैं? हजरत जिब्रील चले। अरे बोलो हजरत जिब्रील, आधा रास्ता चले हो गए, अल्लाह ने कहा जिब्रील वापस आ जाओ, आ जाओ वापस आ जाओ। हजरत जिब्रील वापस गए, अल्लाह ये क्या
अल्लाह तूने मुझे कहा जाओ और मुस्तफा को लेकर आओ, मैं तो आधा रास्ता गया, अल्लाह तू वापस बुला लिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तज़हबु वाहिदा, अकेले जा रहे हो? अरे जिब्राइल अकेले जा रहे हो? तो जिब्राइल ने कहा अल्लाह तूने मुझे कहा मैं मक्का मुस्तफा को लेने जा रहा। अल्लाह ने कहा ना ना जिब्राइल अकेले मत जाना, जिब्राइल अकेले मत जाना, वो मेरा मुस्तफा है, वो मेरा मुज्तबा है, वो मेरा मुर्तजा है, वो मेरा प्यारा नबी है, वो मेरा आखिरी नबी है। अकेले जाओगे उनकी शान में गुस्ताखी होगी, 70,000 फरिश्तों को साथ में लेकर चले। कितने फरिश्ते? सच बताओ हजरत जिब्रील ने 70,000 को जमा किया होगा कि नहीं किया होगा? इसका हुक्म था। और एक बात सुन लो, हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी? साथ में बोलो, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी? 28वें पारे में लिखा है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाती है फरिश्तों की जमात कभी नाफरमानी ना करे, जो मैं कहता हूँ करने के लिए तैयार हो जाते। पूरा भगवान पूरे साथ में बोले ना, हजरत जिब्राइल कितने फरिश्तों को लेकर चले? 70,000 फरिश्तों को लेकर हजरत जिब्राइल आए, मक्का मुकर्रमा में आए, साथ में बोलना उस वक्त हमारे नबी क्या कर रहे हैं? आंखें मुबारक बंद है, बोलो आंखें मुबारक। हम भी सोचे तो आंखें, एक बात का मसला बताओ, हम लोग सो जा रहे हैं तो वजू टूट जाता है, बोलो हम लोग सो जाए तो वजू। हाँ भाई, अभी अगर कोई बयान में सो गया और सोने के बाद गिर गया, नमाज पढ़ना है ना? नमाज नहीं पढ़ सकता जो सो गया, तो उसका वजू। लेकिन हमारे नबी कितने भी घंटे सोए, अल्लाह की कसम हमारे नबी का वजू नहीं छूटता। अरे बोलो हमारे नबी का वजू क्यों? खुद हमारे नबी ने फरमाया आला قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे सोने में मेरे सोने में फर्क है। तुम सोते हो, आंखें भी बंद हो जाती है, दिल का दरवाजा भी बंद हो जाता। हमारे नबी फरमाते मैं सोता हूँ, मेरी आंखें मुबारक बंद होती है, मगर मेरा दिल तो अल्लाह 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 करता रहता। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फरिश्ते आ गए? हमारे नबी क्या कर रहे हैं? बोलो ना आराम फरमा रहे। आंखें मुबारक, मेरी आप जरा तवज्जो दे रहे, आंखें मुबारक। अच्छा हजरत जिब्रील की इंसान की शक्ल में आए? बोलो किसकी शक्ल में आए? तो कितने फरिश्तों को लेकर आए? फिर बोलो एक बार, 70,000 देखना सुनना, 70,000 फरिश्तों को लेकर आए। हजरत जिब्रील ने कहा चलो चलो जल्दी चले, मुस्तफा आराम कर रहे। अरे हमारे नबी आराम कर रहे, आंखें मुबारक बंदे। हजरत जिब्रील आए, बोलो हजरत जिब्रील आए, हमारे नबी के करीब आए। और कितने फरिश्ते आए? लेकिन हजरत जिब्रील ने देखा कि नबी तो आराम कर रहे हैं, अगर मैं इनको जगाऊंगा कि मुस्तफा उठो तो इनकी नींद खराब होगी, और ये नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। भाई नींद खराब करेंगे तो ये नाराज होंगे तो अल्लाह भी, मेरे साथ में अल्लाह भी। तो हजरत जिब्रील ने फौरन ऑर्डर किया, 70,000 फरिश्तों को ऑर्डर किया नबी को लेके जाना है, लेकिन नबी आराम फरमा रहे हैं, इनको जगाएंगे उठाएंगे इनकी नींद खराब होगी, ये नाराज होंगे तो अल्लाह भी नाराज होगा। अगर जिब्रील ने 70,000 फरिश्तों को कहा चलो पीछे चलो, आराम से पीछे चलो, जब उठेंगे तब ले जाएंगे। अरे बोलो जब उठेंगे तब। तो 70,000 फरिश्तों को लेकर अगर जिब्रील पीछे गए तो वहां ख्याल आया गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? अल्लाह ने जब भेजा था तो कहा था अभी जाओ, अभी लाओ। साथ में बोलो ना अभी जाओ मुस्तफा को तो ले जाने में देर हो रही है। अरे बोलो ले जाने में। तो अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम को सामने 70,000 फरिश्तों को कहा अरे हम ले जाने में देर होगी तो अल्लाह नाराज होगा, चलो आगे चलो आगे चलो। अब अगर जिब्रील भी आगे, 70,000 फरिश्ते भी आगे, हमारे नबी आराम फरमा रहे। फिर करीब आए, बोलो हमारे नबी की आंखें मुबारक। साथ में बोलो आंखें मुबारक। हजरत जिब्रील ने कहा नहीं, ये इनको जगाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। बोलो इनको जगाएंगे तो ये नाराज हो, और ये नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह भी, भाई इधर देखना अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। हजरत जिब्रील ने कहा चलो पीछे चलो पीछे चलो। अरे 70,000 को लेकर फिर पीछे चले गए, पीछे चले गए तो फिर कहा अरे हमसे गलती हो रही है, अल्लाह ने कहा था अभी जाओ और मुस्तफा को। सच बताओ
बताओ हजरत जिब्रील हैरान होंगे कि नहीं होंगे, 70,000 फरिश्तों को लेकर बोलो कभी आगे, कभी आवाज नहीं आ रही, कभी आगे, कभी जगाते हैं तो नबी की नींद खराब होती है, ये नाराज होते हैं, और अगर नहीं जगाते हैं तो ले जाने में देर होती है। हजरत जिब्रील हैरान है, 70,000 फरिश्तों को लेकर पूरा भगवानपुर बोलो कभी आगे, कभी हदीस पाक में लिखा पता है या जिब्राइल فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر, हदीस पाक में लिखा हजरत जिब्राइल हैरान, कभी 70,000 फरिश्तों को लेकर बोलो आगे, कभी 70,000 फरिश्तों को लेकर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हजरत जिब्राइल वहीं खड़े हो गए, अल्लाह क्या करो अल्लाह क्या करो, कुछ समझ में नहीं आता, सबको लेके कभी आगे जाता कभी 70,000 फरिश्तों को लेकर पीछे आता, अल्लाह कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह का जवाब आया, बोल दो सुभान अल्लाह, अब बोलो भाई नारे तकबीर। अल्लाह का जो जवाब आया ऐसा प्यारा जवाब आया, ए भगवानपुर वालों सुनना, अल्लाह का जवाब आया ला तदहय्यर या जिब्राइल अकबिल, बोलो सुभान अल्लाह, अकबिल वकबिल कदमै, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का जवाब आया, जिब्राइल हैरान होने की जरूरत नहीं, आगे पीछे होने की जरूरत नहीं, जिब्राइल आगे बढ़ जाओ, जिब्राइल आगे बढ़ जाओ, मेरे नबी के करीब चले जाओ, बोलो मेरे नबी के करीब चले जाओ, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे नबी के तलवे मुबारक को चूम लो, किसको चूम लो, कदम तलवे मुबारक को चूम लो, जाग भी जाएंगे, शान में गुस्ताखी भी नहीं होगी। हजरत जिब्रील आए, भाई इंसान की शक्ल में थे, हजरत जिब्रील आए, पीछे कितने फरिश्ते हैं, हजरत जिब्रील धीरे धीरे आए, देखो हमारे नबी का अदब, हमारे नबी का रिस्पेक्ट, हमारे नबी के सामने डिसिप्लिन रखना, हजरत जिब्रील आए, हमारे नबी के पांव की तरफ गए और आहिस्ता से गए, भैया देखो यू, बोलो हमारे नबी के तलवे को चूमा, बोलो हमारे नबी के तलवे को चूमा, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के तलवे को चूमा, हमारे नबी की आंखें मुबारक खुली, हमारे नबी ने पूछा माँ बालू का या जिब्राइल, तो कभी लो कदम है, हमारे नबी ने कहा जिब्राइल क्या कर रहे हो, मेरे कदम को चूमते हो, अरे मेरे तलवे को चूमते हो। हजरत जिब्राइल ने कहा प्यारे नबी मैं नहीं चूमता, अल्लाह का हुक्म है इसलिए चूम रहा हूँ, किसका हुक्म है, बोलो 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 किसका हुक्म है। हमारे नबी ने कहा तो बराबर है लेकिन जाना था, हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल रातों रात आए हैं जाना, हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो व सलाम ने कहा मेरे नबी अभी तो हमें सफर करना है, एक जमीन का सफर करना है, एक आसमान का सफर करना है, अल्लाह की मुलाकात करना है, जब सुबह हमारे नबी ने अल्लाह की मुलाकात करना, हमारे नबी खड़े हो गए जिब्राइल चलो चलो आज किसकी मुलाकात करना है। हजरत जिब्राइल सुनना, हजरत जिब्राइल ने वहां पे रुका, कहा मेरे नबी सफर तो शुरू करना है लेकिन अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, हमारे नबी ने पूछा क्या ऑर्डर दिया, कहा प्यारे नबी मैंने आपके तलवे को, बोलो ना बोलो ना, मैंने आपके तलवे को अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, अल्लाह ने ऑर्डर दिया है 70,000 फरिश्तों को कहो वो भी नबी के तलवे को चूम ले, कितने फरिश्ते आए हैं, सबको कहो नबी के तलवे को चूमे, वो अल्लाह की कुदरत वो अल्लाह की ताकत, फरिश्ते आते गए नबी के तलवे को चूमते गए, आते गए तलवे को चूमते गए, अल्लाह ने सारा निजाम रोक के रखा, जब 70,000 फरिश्तों ने तलवे को चूमा क्या फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल ने फरमाया चलो किसकी मुलाकात के लिए जाना है, आवाज नहीं आ रही, किसकी मुलाकात के लिए जाना है। हमारे नबी उस वक्त रुक गए, ए भगवानपुर वालों सुनना, हमारे नबी रुके और कहा जिब्राइल एक सवाल पूछो तुझे, जिब्राइल एक सवाल तुझे पूछो, जिब्राइल ने कहा अल्लाह के रसूल देर हो रही है जाना है, हमें जाना है लेकिन अगर आपको पूछना है तो सवाल पूछ ले। हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को, मेरे साथ में बोला तुमने मेरे तलवे को, हमारे नबी ने पूछा कब्बल का कदम आई है जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा, कैसा वजह था तुम्हें कैसा लगा, अरे तुमने मेरे तलवे को चूमा तुम्हें कैसा, कौन कौन तैयार है जवाब सुनने के लिए और सुभान अल्लाह बोलने के लिए। हाँ मेरे दोस्तों हमारे नबी ने पूछा कब्बल का कदम आई है जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा कई
सुभान अल्लाह बोलते हैं। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को देखा, मैंने जन्नत के बहारों को देखा, मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा, मैंने जन्नत के गुलशनों को देखा, मैंने जन्नत के बागों को देखा, मैंने जन्नत के नहरों को देखा, मैंने जन्नत की दीवारों को देखा, मैंने जन्नत के दरवाजों को देखा। हजरत जिब्राइल फरमाते, मेरे प्यारे नबी, मैंने जन्नत को देखा, अल्लाह की कसम, जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली, आपके तलवे में नसीब हो गई। जो खुशबू जन्नत में, बोलो न मिली, वो कहा मिली? नबी के, यानी आवाज नहीं आ रही, नबी के, यानी बराबर बोलो, नबी के तलवे में। भगवान कुरबान माशाल्लाह, आप लोग समझदार हो, जब नबी के तलवे में, ये नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा, बोलो ना, जब नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा, आवाज नहीं आ रही, जब नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा, कसम खा कर बोलो, नबी के हाथ में कितनी खुशबू होगी भाई, जब तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा तो हाथ में कितनी खुशबू होगी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हजरत अनस फरमाते, मेरे 10 साल की उम्र थी, मैं नबी की खिदमत करता था। हजरत अनस फरमाते, कभी मेरे नबी मेरे सर पे हाथ रखते थे, कभी मेरे नबी मेरे हाथ पे हाथ रखते थे। हजरत अनस फरमाते, अल्लाह की कसम, 10-10 दिन गुजर जाते, मेरे हाथों से नबी की खुशबू जाया नहीं करती। अरे जब नबी के तलवे में जन्नत से ज्यादा खुशबू है, तो नबी के हाथों में और भी ज्यादा। कसम खाकर बोलो, जब हाथ में इतनी खुशबू होगी, तो नबी के चेहरे पर कितनी खुशबू होगी। अरे बोलो, नबी के चेहरे पर कितनी खुशबू, तवज्जो देना, नबी के चेहरे पर कितनी खुशबू होगी। हंसता तो मैं भी, हंसते आप भी, हंसते हो ना कभी कभी आप? अरे बोलो ना, हंसते हो ना? और मैं भी हंसता हूँ, लेकिन आपको मालूम है, हमारे नबी जब बैठते सामने हजरत अबू हुरैरा, बोलो सामने कौन? हजरत अबू हुरैरा, वो हमारे नबी को ऐसे देखते, ऐसे 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 देखते। एक मरतबा सहाबा ने पूछा, अबू हुरैरा तुम बैठते हो तो हमारे नबी के चेहरे को क्यों देखते हो? अरे नबी के चेहरे को क्यों देखते हो? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, देखता रहूंगा इसलिए कि मैं इंतजार करता हूँ मेरे नबी कब मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे नबी कब? तो सबने कहा कि नबी मुस्कुराए, उसको क्यों देखते हो? हजरत अबू हुरैरा ने कहा, तुम्हें क्या मालूम मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं। अरे हजरत अबू हुरैरा कहते, तुम्हें क्या मालूम मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं, सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आया करती है। क्या फरमाया अबू हुरैरा ने? قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وسنانه تتلالا فوق الجدران। حضرت ابو هريره کہتے ہیں, اللہ کی قسم, کئی مرتبہ میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا, میرے نبی مسکراتے گئے, آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آئے۔ میرے بھگوان پور والوں, جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو ہاتھ میں اور بھی زیادہ, تو قسم کھا کر بولو, نبی کے چہرے سے بڑھ کر تو کوئی چہرہ ہی نہیں ہوگا۔ بولو نا نعرہ تکبیر, نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ؟ آواز سے بولو, نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ؟ ہم لوگ تھوڑا اچھا بن جائے نا, تو کوئی بولتا ہے تو بہت اچھا دکھتا ہے, تو سمارٹ دکھتا ہے, تو بہت چہرے میں کھلکھلاتا دکھتا ہے۔ سچ بتاؤ, ہماری تعریف کوئی کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اللہ کی قسم, ہمارے نبی مکے کی گلی میں چلے, ہمارے نبی مدینے کی گلی میں چلے, کوئی کچھ بولے نہ بولے, پیدا کرنے والا خود بولے, میرے محبوب تیرے سے بڑھ کر حسین میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ کون تعریف کرے ہمارے نبی کی؟ اللہ نے فرمایا, پڑھو نہ میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا, والشمس وضحاها, پڑھو نہ یاد ہوگا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا, میرے نبی میں نے تجھے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی, ایسا چہرہ عطا فرمایا, تو آتا ہے ایسا لگتا ہے آسمان میں آفتاب نظر آنے لگا۔
चौदहवीं रात का चांद चमकने लगा। अरे मेरा नबी तू आया, ऐसा लगा दिन का उजाला आ गया। बल्कि अल्लाह ने कहा मेरे नबी तेरे जुल्फे इतने मुबारक है, समेट लेता है, रात की चांदनी नजर आती है, अरे जुल्फे मुबारक फैला देता है तो दिन का उजाला नजर आता है। अब बोलो भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, साथ में बोलो ना भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पॉइंट पे आ जाए आ जाए, फिर बोलो ना नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से तो हाथ में उससे ज्यादा चेहरे में। अब बताओ किसको नबी का चेहरा पसंद है, आज उम्र करे और साथ में बोले भाई नबी का चेहरा पसंद है। आवाज से बोलो भाई मुस्तफा का दामन, आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नबी का चेहरा पसंद है। अच्छा अच्छा नबी से मोहब्बत करते हो? ऐसे नहीं ऐसे पक्का जवाब, मोहब्बत करते हो? कच्चा जवाब बोलो मोहब्बत करते थे, यानी बोलो मोहब्बत करते थे, करते थे और करते। कौन कौन तैयार है साथ में बोलो, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। बोलो मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन मोहब्बत करते थे, करते और करते। दाढ़ी का मैं गलत बोला तो बोलो गलत बोला, सही बोले? नहीं नहीं मेरे को नहीं मालूम, भगवान बोला मैं पहली बार जब आया बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ, आप लोग मेरे को ना बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। मेरे को सिर्फ इतना पता तो नबी के चेहरे में दाढ़ी थी जी। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा बोलेंगे मेरे को थोड़ी समझ में आएगा। बोलो ना नबी के चेहरे में दाढ़ी थी, आवाज नहीं आ रही, नबी के चेहरे में दाढ़ी थी, अबू बकर के चेहरे पर थी, हजरत उमर थी, हजरत उस्मान, हजरत अली और मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे सारे औलिया किराम के चेहरे पे दाढ़ी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी थी, जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा इस्माइल शहीद के चेहरे पे दाढ़ी थी, बाबा फरीदुद्दीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा अमीर खुसरो के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा रोशन चिराग के चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो उन सब के चेहरे पे दाढ़ी आप लोग भगवान को रुका तो बुढ़ा भी रुकी है सब, कहा है दाढ़ी का है सही ना भाई? जब सबके चेहरे पे दाढ़ी थी वो होशियार या हम लोग होशियार है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, सारे सहाबा, सारे नबी, सारे वली सबके चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। या भगवान को मैं आके देखते तो मेरे को अफसोस होता है कि जवान तो जवान बुढ़ा भी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये दाढ़ी रखा, ये देखो मैंने रखा, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने दाढ़ी रखो बोलो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं रखा आऊं तो बिल्ला सही ना तुमसे मौन क्या ना माता तू रहा अभी बोला। एक बात आप तक समझ में नहीं आई, दाढ़ी रखा सुभान अल्लाह, नहीं रखा आऊं तो बिल्ला। ये बहुत सुबह में देखता हूँ ये कटिंग मारते हो क्या पट्टी बनाते बुढ़ा भी, हाँ बुढ़ा भी संडे के लिए उसको बिल्कुल शेप, ये क्या है क्या ये छोटी सी पट्टी दाढ़ी है ये, यानी मेरे को बताओ ना ये कुरान में लिखा है जायज है? यानी मेरे को बोलो ना जायज है? हदीस में लिखा है जायज है? अरे दाढ़ी रखो ना रखो, दाढ़ी रखो, ये छोटी सी पट्टी काहे को बनाते? एक मेरे को इंग्लैंड में मिला, इंग्लैंड इंग्लैंड समझते हो ना, बर्तानिया यूके में एक आदमी मेरे को मिला, मेरे को बोलता बोला ना आई एम फैन, फैन समझते हो? मैं आपको बहुत चाहता हूँ। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई कब से चाहता मेरे को? ऐसा मौना फ्रॉम फोर इयर्स आई एम हियरिंग ओनली योर बयान, माय वाइफ माय किड्स ऑल आर हियरिंग योर बयान। मैंने मुझे कहा मैं आपका बयान सुनता, मेरी बीवी भी सुनती, मेरे बच्चे भी सुनते और चार साल से सुनते। उसकी दाढ़ी ऐसी छोटी सी थी, मैंने कहा नहीं तू नहीं सुनता मेरा बयान, कहा मौलाना सुनता ना। तो मैंने कहा तू तेरे इलाके में बारिश नहीं होती समझे आप लोग? तो मेरे को क्या कहता है मौलाना आप दाढ़ी का बोल रहे? मैंने कहा और क्या बोल रहा, चार चार साल में दाढ़ी तो आनी चाहिए। तो मेरे को क्या जवाब दिया मालूम? ना 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 मौलाना
यू डोंट नो, आपको नहीं मालूम, एक छोटी सी पट्टी बनाओ, हो गया, एक छोटी सी पट्टी बना दो, एक साइन में सिग्नेचर और विश्राम हो गया। और मुझे अंग्रेजी में क्या बोलता मालूम है, मौलाना हबीबुर रहमान, मेरे को अंग्रेजी में बोलता मौलाना हो गया, दिस इज ओके। मैंने कहा दिस इज ओके भाई, ये क्या है? मेरे को एक बात बोलो, आप लोग नाराज मत हो, भगवान छोड़वा दो, मेरे को ये बताओ, ये दाढ़ी रखते है तो लाना पड़ता है या आ जाती है? ये भी मेरे को पूछना पड़ेगा।